अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल रात को हम लोगों को पता चल गया था कि अब्दुल्ला कौन से गांव में, तो आज हम लोग जाएंगे अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए उसी गांव में। अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं, 1 बजे ट्रेन आएगी हमारे गांव में और हम लोगों को ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। और अब्दुल्ला जिस बाइक मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहा ना, हम लोग उसी बाइक मैकेनिक की दुकान पर जाएंगे और अब्दुल्ला को मनाएंगे और अब्दुल्ला को वापस घर लेके आ जाएंगे। और आज तो काकू भी आया हुआ। काकू हाय, कैसा? ठीक है, आज तो काकू घर ही आ गया। दादो हम लोग जाएंगे अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए। दादो ऑरेंज काट रही है, मैं भी खा लूँ यार। अच्छा पैरोट्स को भी खिला रही हो साथ साथ? बस आपने दुआ करनी है, हम लोग जा रहे हैं अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए। मिल जाएगा मेरा बच्चा, मिल जाएगा मेरा बेटा, मिल जाएगा। आज इसको लेके आ, मैं क्या करूं ढूंढ के रात को भाई। आज घर पे लेके आओ आज इसको, बस जहाँ भी है लेके बस हम लोग लेके आएंगे भाई आज अब्दुल्ला को। अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और अली के उल्टे उल्टे काम चेक करो, सुबह से अपनी साइकिल धो रहा है, चमका दिए भाई अली ने तो साइकिल। मेरी बात सुनो, आप कौन कौन जा रहे हैं वैसे अब्दुल्ला को गाँव घूमने? मैं जाऊंगा और मेरे साथ असद जाएगा। भाई मैं भी जाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं मुझे भी लेके चलो। अरे बहुत ज्यादा सर्दी है भाई, आपको नहीं लेके जा सकते। भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी जाऊंगा। मामा से इजाजत ले लूंगा। चलो मामा से इजाजत लेते हैं भाई अली की, अगर मामा इजाजत दे देंगे अली की, क्योंकि भाई बहुत दूर है वो गांव, तो फिर अली को भी हम लोग अपने साथ ले जाएंगे। और काकू बहुत ज्यादा परेशान है। काकू शादी करनी है अब्दुल्ला के लिए, दुआ कर पहले। बोल अब्दुल्ला घर वापिस आ जा, जोर से बोल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला घर वापिस आ जा। आ जा यार, काकू भी तुझे बुला रहा है। काकू की शादी बेचारे की पेंडिंग पे। दादो आपने कोई रिश्ता विश्ता ढूंढा काकू के लिए? इधर आ, बात कर दादो से। आजा आजा आजा, कितना खुश हो रहा है काकू। बोल दादो को, बोल इधर बैठ। दादो इसको भी ऑरेंज खिलाओ, ले। ये ले ऑरेंज, खा खा ले खा ले। अब पूछ दादो से, पूछ रिश्ता ढूंढा? हाँ करवाएंगे, तेरी शादी करवाएंगे, टेंशन नहीं ले, बस अब्दुल्ला आ जाए। और उसके बाद हम लोग रॉकी और ब्राउनी की भी शादी कराएंगे और काकू की भी शादी करवाएंगे। और फिलहाल भाई रेडी शेडी हो जाते हैं और जाते हैं अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए। और इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। रेडी शेडी हो गए। मामा तो अली को हमारे साथ जाने की इजाज़त ही नहीं दे रही थी, अली ने बहुत जिद की मामा से। तो मामा ने बोला चलो अली को भी अपने साथ ले जाओ, क्या पता अब्दुल्ला अली की बात मान के वापस घर आ जाए। और मामा ने हमारी पैकिंग शैकिंग भी कर दी है। बैग बंद करते हैं, पकड़ो, बैग भी हमारा रेडी हो चुका है। और मैंने असद को भी कॉल कर दिया, जैसे ही असद आता है तो हम लोग निकलते हैं। खाना भी रेडी हो गया, खाने में आज मामा ने बिरयानी बनाई है। हम लोग अब्दुल्ला के व्लॉग्स देख रहे होते हैं, अब्दुल्ला को मामा के हाथ के खानों की बहुत याद आ रही होती है। तो आज हम लोग अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए उसी गाँव जा रहे हैं, तो इसलिए मामा ने स्पेशल अब्दुल्ला के लिए बिरयानी बनाई है। अब्दुल्ला हम लोगों को मिल जाएगा, हम अब्दुल्ला को मामा के हाथों की बनी हुई स्पेशल बिरयानी भी खिलाएंगे। और भाई आज शुक्र है मौसम भी ठीक है, धूप शूप निकली है, तो इसलिए मैं भी धूप में बैठ के खा रहा हूँ अपना खाना। तो खाते हुए फटाफट से अपना दोपहर का खाना। मैंने तो हल्का फुल्का खाना खा लिया, लेकिन अली खाना ही नहीं खा रहा। खाना खा लो, ट्रेन का टाइम होने वाला है, हमने निकलना है। भाई मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं खाना खाऊं, क्योंकि मेरा भाई उधर मजदूरियां कर रहा है, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और मैं कैसे खाना खा लूं? अगर अब्दुल्ला मिला तो मैं उसी के साथ खाना खाऊंगा। पापा पापा बोल रहे हैं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, लेकिन हम पापा को नहीं लेके जा सकते। पापा अगर आपको लेके जाएंगे अब्दुल्ला को पता चलेगा तो फिर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसलिए मैं असद और अली जा रहे हैं अब्दुल्ला को ढूंढेंगे, अब्दुल्ला को मना के। चलो आप लोग, आप ना हम लोगों को स्टेशन तक छोड़ के आ जाओ। और मामा ने ना अब्दुल्ला के लिए स्पेशल बिरयानी तैयार करके दी, और हमारा बैग भी रेडी हो गया, क्या पता हम लोगों को वहाँ पे रुकना भी पड़ जाए। हम लोग निकल रहे हैं, दादो भी अंदर से आ गए हैं और दादो बोल रही है मुझे भी लेके चलो। दादो आपको नहीं लेके जा सकते? नहीं लेके जा सकते, मैं तुम लोग को ट्रेन में बैठा के आऊंगी, मैं ऐसे नहीं, तुम लोग को क्या भरोसा, मैं छोड़ के आऊंगी तुम लोग को स्टेशन तक, मुझे। चलो ठीक है, आप और पापा हमें कहाँ जाओगी? को भाई नहीं जा सकते यार, हम लोग स्टेशन तक छोड़ के आते हैं ना। चलो ठीक है भाई, ये लोग हम लोग को स्टेशन तक छोड़ देंगे। असद को मैंने बोला, असद ना रक्षा वगैरह लेके आता है, तो फटाफट से फिर हम लोग निकलते हैं स्टेशन के लिए। और ट्रेन में बैठ के हम लोग उसी गांव जाएंगे जिस गांव में अब्दुल्ला भाई मैकेनिक की दुकान पे मजदूरियां कर रहा है। असद भी आ गया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? फुल पैक शैक हो गया है। और असद अपने साथ चिंची भी ले आया, ये ले सामान रख यार आगे, आ जाओ दादू आ जाओ। दादो भी हमें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रही हैं और पापा बाइक पे आ रहे हैं। आ रही हो आप भी? चलो आ जाओ, बैठो 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 बैठो, कहीं यार ट्रेन ही ना निकल जाए। चलो भाई मैं आगे बैठ जाता हूँ, साथ आगे हो जा। आराम से बैठना, गिर नहीं जाना। पापा हमारे पीछे पीछे बाइक पे आ जाएंगे जी। चलो भाई ये हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, शुक्र है टाइम से पहुंच गए, अभी तक ट्रेन नहीं आई। उतर 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 सत, चलो आ जाओ, खुल जा सिमसिम। अबे भाई ये तो खुल ही नहीं रहा, खुल जा, खुल गया खुल गया। चलो आ जाओ, रेलवे स्टेशन आ गए, टिकट शिकट भी पकड़ लिए। ट्रेन के आने में तकरीबन 5-10 मिनट हैं, तो हम लोग यहीं पे बैठ के ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं।
ट्रेन भी आ गई और हमारे स्टेशन पे ना 2 मिनट के लिए सिर्फ ट्रेन रुकती है। आप क्या देख रहे हो, गिर जाओगे। ठीक है दादू, आपने दुआ करनी है। ठीक है पापा, मिलते हैं इंशाल्लाह। हम लोग अब्दुल्ला को ढूंढ के ही लेके आएंगे इंशाल्लाह। आ गई भाई। ठीक है अली तो भाई मिलके सैड हो गया दादू और पापा से। ओए 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 ओए, आ गए ट्रेन। ट्रेन में चढ़ गए, सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वा इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून सदक़ल्लाहु अज़ीम। और ट्रेन चल गई है भाई। कोई कहाँ खड़े हो यार, ट्रेन में कहीं जगह ही नहीं, हम बैठेंगे कहाँ पे? खड़ा हो गया ट्रेन भाई, बिल्कुल फुल हुई हुई है। हमने टिकट भी ले ली और भाई ऐसी खतरनाक ट्रेन है। अली आप आगे नहीं आना, गिर जाओगे ट्रेन से। यहाँ पे मस्तियाँ नहीं चलेंगी। हम अपने गाँव को बाय बाय कर देते हैं। बाय बाय गाँव, अब्दुल्ला को लेके आएंगे वापस हम लोग। अली पीछे रहना, सुत अली को पीछे रखना। सीट तो हम लोगों को मिली नहीं है भाई, हम लोगों को यहीं बैठना पड़ेगा। और सर्दी बहुत ज्यादा है, दरवाजा भी बंद कर देते हैं वरना अली की शरारतों का पता है। अली तो यहाँ से छलांग ना मार ले। और वॉशरूम के आगे बैठे हैं हम लोग। यार हमने अब्दुल्ला का व्लॉग देखा था, अब्दुल्ला के पास टिकट के भी पैसे नहीं थे, वॉशरूम में छुप के गया था वो भाई। वॉशरूम वो यार कितनी बदबू आ रही है सर, तुझे बंद कर दूं। हमें भी भाई इधर ही बैठना पड़ेगा और अपना तकरीबन 4-5 घंटे का सफर जो है वो यहीं बैठ के गुजारना पड़ेगा। ऐसी चकाचक ट्रेन है, हम लोग बार बार दरवाजा बंद करते हैं फिर खुल जाता है, फिर बंद करते हैं फिर खुल जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ सर तू इसके आगे बैठ जा, इसका कोई लॉक शॉक भी नहीं है, पता चले हम ही नीचे गलती हो जाए। अली 3-4 घंटे का रास्ता है ठीक है उस गाँव का, आप सो जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ हाँ यार, नींद तो हमारी भी उड़ी हुई है। असद तो मजे से चादर ओढ़ के सो गया। असद चलो यार, असद को सोया रहने देते हैं। और भाई फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरह है, देखो किस तरह बगियों की तरह हम लोग यहाँ पे बैठे हैं देखो। और साथ में हमारे वॉशरूम है, आप इधर ही बैठे रहना, हिलना नहीं यहाँ से ठीक है। देखो किस तरह बैठे हुए हम लोग यहाँ पे, सारे मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। आप लोगों को बाहर का वो खुल जा सिम सिम भी, वो भाई फुल ट्रेन हिल रही है। खेत ही खेत है, बहुत लंबी ट्रेन है ये तो। ये देखो यहाँ पे सारे गांव हैं, ये सारे कच्चे देहात हैं। सर्दी लग रही है, अंदर होके दरवाजा बंद कर लेता हूँ। झटके लग रहे हैं, मैं भी भाई इधर ही बैठ जाता। देखो दरवाजा कैसे हिल रहा है भाई। भाई ये तो हम लोग बहुत खतरनाक सफर कर रहे हैं। तो मजे से पीछे बैठे हुए थे, एक पुलिस वाले अंकल आए, उन्होंने हमें आगे भेज दिया, बोला आगे सीट्स हैं, आगे आप लोग जाके बैठ जाओ। आ जाओ वो देख के, दरवाजा खुला हुआ है, आराम से साइड से आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 आराम से जाना। चलो चलो चलो, यहाँ पे होंगी सीट्स, ये रही आ जाओ अली। शुक्र है भाई हम लोगों को सीट्स मिल गई हैं, बैठ जाओ। आ जा सच, अब हम लोग यहाँ मजे से बैठ के जाएंगे। अनस भाई और असद तो बड़े मजे से सो गए, ये सो रहे असद और ये सो रहे अनस भाई। और मुझे तो बड़ी अब्दुल्ला की याद आ रही है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमें कौन से स्टेशन पे उतरना है। बड़ी भूख लग रही है, मैंने तो खाना भी नहीं खाया। ये चीज वाले अंकल खड़े, अंकल चीज दे दे, ये नीमको दे दे चलेंगे। यार मैंने तो खाना भी नहीं खाया था, इसी से गुजारा करते हैं। अनस भाई को उठा देते हैं, अगर स्टेशन आया तो मुझे क्या पता कौन से स्टेशन पे उतरना है। अनस भाई, अनस भाई उठो यार, आप दोनों तो बड़े मजे से सोए हुए हो। स्टेशन आया तो नहीं है? नहीं आना भाई, मैं और असद तो बड़े मजे से सोए हुए थे, अली ने अभी हम लोगों को उठाया, स्टेशन भी आने वाला है। क्या कर रहे हो, 5,000 जुर्माना है, क्या कर रहे हो? पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हम लोग जेल में बंद हो जाएंगे। अंदर अंदर मुंह अंदर करो, मुंह अंदर करो, कुछ चीज लग जाएगी। आने वाला है भाई वही वाला गाँव जिसमे अब्दुल्ला है। सर्दी भी हो रही है बहुत। चलो देखते हैं दरवाजा खुला है कोई, यार यहाँ पे तो बंदे खड़े में। आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। चलो 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 अली आराम से, गिर नहीं जाना अली। खोलो खोलो खोलो, ओए भाई आ गया दूसरा गांव, इसी गांव में अब्दुल्ला। अली आप कहाँ आगे आगे जा रहे हो? फिर से वॉशरूम खुल गया, वॉशरूम का दरवाजा तो बंद करो, कर तो बंद कर दो। ओए भाई मैं ना गिर जाऊं। ओए आ गया फाइनली भाई।
ओए मुझे भी खुशी हो रही है, हम लोगों को अब्दुल्ला मिल जाएगा। फटाफट से हम लोगों ने उसी बाइक मैकेनिक वाली दुकान ढूंढनी है। कोई अपना सामान, अब्दुल्ला की बिरयानी है ना, सामान पूरा है, कोई सामान ना भूल जाए यार। अली पीछे पीछे यार, आप तो चलान लगाने के चक्रों में। चाय वाला, अंडे वाला, अंडे वाला, चाय वाला। ओए भाई हम लोग बहुत खुश हो गए। पीछे खड़े रहो अली, पीछे खड़े रहो, आने वाला स्टेशन। कितनी सारी बकरियां भी हैं यहाँ पे। हाय बकरियों, कैसी हो? ओए ओए आने वाला है, आने वाला है। छलांग नहीं लगाना, पहले ट्रेन रुकने देना, पता चले आप छलांग लगा दो। फाइनली फाइनली हम लोग आ गए दूसरे गांव, इसी गांव में अब्दुल्ला। बहुत खुश हो गए हम लोग इसी गांव में अब्दुल्ला। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जिंदगी में इस तरह ट्रेन में सफर किया भाई। चलो 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 चलो, देंगे भाई देंगे। एक मिनट रुकने देना जी, पहले रुकने देना, रुकने देना, रुकने। ओ मैंने तो छलांग लगा दी, छलांग लगाओ, आ जाओ। ये भाई आ, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। फाइनली हम लोग दूसरे गांव पहुंच गए, इसी गांव में अब्दुल्ला। चलो चलो यार, चलते हैं फटाफट से यहाँ की मार्केट और जाके वो बाइक मैकेनिक वाले की दुकान ढूंढते हैं। हम लोगों को कंफर्म हो गया कि हम लोग सही गांव में आए हैं, अब्दुल्ला इसी गांव में आया था और इसी जगह से अब्दुल्ला जा रहा था और बोल रहा था कि भाई मैं जाके मार्केट में काम शाम ढूंढता हूँ। अब हम लोग भी चलते हैं फटाफट से मार्केट और उस बाइक मैकेनिक की दुकान ढूंढते हैं जिसपे अब्दुल्ला काम कर रहा है। थैंक यू ट्रेन, ट्रेन भी देखो वापिस जा रही है। बाय बाय ट्रेन। चलो आ जाओ यार जल्दी से, इस गांव में तो इतनी सारी भैंसें भी हैं। अब्दुल्ला को देखा है? अब्दुल्ला यहीं से गुजर के गया था भाई। ये तो सैड है, नाराज हो गया हमसे, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। और टक्कर शक्कर ना मार दे, आ जाओ। ओ यार इधर आओ, भैंस का बच्चा भी इधर। ओए ये रहा, ओ भाई कुत्ता भी है बहुत खतरनाक वाला, वो देखो कहीं आगे हम लोगों का। अब्दुल्ला को देखा है? नहीं भाई, ये तो बात ही नहीं कर रही, नाराज है लगता है। अली वो प्यार करते हैं। वो यार ये तो माशाल्लाह बहुत शरीफ है यार, दुआ करना हमें अब्दुल्ला मिल जाए। चलो आ जाओ यार, हम लोग लेट ना हो जाएं। फाइनली हम लोग मार्केट आ गए और इसी मार्केट में अब्दुल्ला अपने लिए काम ढूंढ रहा था। देखते हैं भाई, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। किससे पता करते हैं यार? अस्सलाम वालेकुम खान भाई, कैसे हो? ठीक हो यार? एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, बाइक मैकेनिक वाला है ये रहा। इसको जानते हो आप? नहीं पता है यार, कहीं हम लोग गलत गाँव में तो नहीं आ गए? अब्दुल्ला इसी बंदे की दुकान पे काम कर रहा था ना यार, पता करना पड़ेगा सच। अरे ये बच्चा ऐसे क्या बता। अस्सलाम वालेकुम यार, ये देखो इसको जानते हो? पता है इसका? देखा रहे है, थोड़ा सा आगे जाओ ना। बाइक मैकेनिक है जी, बाइक मैकेनिक जानता हूं। आगे जाए ना जी, होटलों के पास इसके सामने। किस जगह? थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे जाके। चलो भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई पता चल गया। चलो 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 चलो, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। चलो चलो यार, काफी दूर से हम लोग भागते हुए आ रहे हैं। और ये रहा होटल, वो उन्होंने बताया था उसी के साथ दुकान है। चलो वो पूरी सामने दुकान मिल गई। अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। क्या यार हमारा भाई अब्दुल्ला वो आपकी दुकान पे काम कर रहा था, हमने व्लॉग में देखा था। कहाँ है अब्दुल्ला? कहाँ है? कहाँ गया फिर? निकाल दिया काम से। नहीं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, अब्दुल्ला ने मना किया होगा बताना नहीं किसी को। नहीं भाई आप भी भाई हो मेरे। नहीं मैंने सही बताओ आप कहाँ यार? हमारा भाई इधर से चला गया है भाई। प्लीज मेरे भाई का बता दो, घर छोड़ के भाग क्या आया था? मुझे नहीं पता, उसका दोस्त लेके आया था इधर काम करने, वो हर टाइम वीडियो बनाता रहता था, मैंने तो उसको भगा दिया है इधर। अरे भाई प्लीज बता दो यार, हम लोग बहुत। मुझे नहीं पता भाई, आप अच्छा आपको पता भाई वो कहाँ गया? कहाँ गया नहीं पता उसका, मुझे नहीं पता। पक्की बात है आपकी दुकान में नहीं है यार, ऐसा तब क्या करें? होगा तो इसी किसी गांव में ना यार। आपको नहीं है ना, आपको पता है वो कहाँ सोता है? नहीं पता। आपको कुछ भी नहीं पता उसका? मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। आपने ऐसे कैसे उसको काम पे रख लिया भाई? जानते ही नहीं हूँ उसको यार। अब क्या भाई प्रॉमिस करो आपके आपके पास में। भाई मैं उसको नहीं जानता, मेरे पास लड़का लेके आया था एक। चलो यार अच्छा आप गुस्सा नहीं करो यार, ठीक है यार आप मुझे बता सकते हो? पता है आपको कहाँ इधर आया तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा आप नंबर ले यार, इधर आया तो प्लीज बता देना कुछ पता चले तो उसका। यार यार अब हम लोगों को यहीं पे कहीं अब्दुल्ला को इसी गांव में यहीं पे कहीं ढूंढना पड़ेगा यार। प्यार से हम लोग उसके लिए बिरयानी लाए थे, क्या पता वो इधर हो। ठीक है भाई आपके पास है भाई, मैं आपको प्लीज यार वो घर से आया हुआ, हम बहुत दूर से आए और
आप यकीन नहीं करोगे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है भाई। चलो यार भाई। चलो आ जाओ यार, ढूंढते हैं अब्दुल्ला को अब कहीं और। भाई एक मैकेनिक वाला बोल रहा है उसने अब्दुल्ला को काम से निकाल दिया, और हमने अभी अब्दुल्ला का व्लॉग भी देखा है, वाकई भाई बाइक मैकेनिक वाले ने अब्दुल्ला को काम से निकाल दिया, और अब अब्दुल्ला पता नहीं कहाँ होगा। मगरिब की अजानें भी हो गई है, पहले हम लोग मगरिब की नमाज इस मस्जिद में अदा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग अब्दुल्ला को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ यार। और असद का हाल देखो क्या बना हुआ, ऐसा लग रहा है जो चादरें नहीं बेच रहे होते। कितने की है भाई चादर? 700 रुपए की है भाई। बहुत महंगी दे रहे हो, नहीं चाहिए भाई। 200 की ले लो भाई। मगरिब की नमाज अदा कर ली, अब दोबारा से हम लोग अब्दुल्ला को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पहले वही जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ रात को जाके अब्दुल्ला सोता है। भाई बिल्कुल सुनसान जगह यार, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर दादा व्लॉगिंग नहीं करो, कोई हमारा पता चले मोबाइल ही छीन जाए। अरे हाँ यार, यहाँ पर मुझे डर लग रहा है कहीं भूत ऊत ना हो। देखो यार, ये देखो बहुत पुराने जमाने के घर बने हुए, पता नहीं हम कौन से गांव में आ गए। तो फटाफट से भाई पहले हम लोग वो वाली जगह ढूंढते हैं जहाँ अब्दुल्ला सोता है। इतना ज्यादा ख्वार होने के बाद फाइनली हम लोगों को वो जगह मिल गई है जहाँ अब्दुल्ला आके सोता है। और आपसे अली आवाज नहीं लगाओ, भाग ना जाए। आज तो हमारी बहुत ख्वारी हुई है भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओए भाई हालत टाइट हो गई है यार, यहीं पे बैठते हैं यार। अल्लाह, क्या पता खाना छाना खा के आके यहाँ पे ही सोए। ओए भाई यहाँ पे बैठ के, हाँ यहीं पे बैठ के हम लोगों को वेट करना पड़ेगा सोने के लिए। अब्दुल्ला यहीं पे आएगा, आ जाएगा यार, आ जाएगा, बस दुआ करो अब्दुल्ला आ जाए। अरे भाई थक गए, हमारी तो हालत टाइट हो गई। 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे हम लोग अब्दुल्ला का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला भाई साहब का कोई पता नहीं, अब्दुल्ला यहाँ पे आया ही नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ होगा अब्दुल्ला इस वक्त। और भाई हम लोगों की भी हालत टाइट हुई है, इतना ज्यादा हम लोग थके हैं और इतनी ज्यादा भूख भी लग रही है भाई, बहुत भूख लग रही है यार सुबह से कुछ है यार। क्या करें अब यार, खाना तो पड़ा हुआ है वो जो मामा भाई, अब्दुल्ला वाला खाना ही खा लेते हैं अब क्या। हाँ यार वो बिरयानी खराब ना हो जाए यार, निकाल यार खुल जा सिम। अली इतना ज्यादा सैड है, अली तो कब से रोए जा रहा है यार। चुप हो जाओ, मिल जाएगा, हम लोग उस गांव तक तो आ गए, अब्दुल्ला को ढूंढ के ही जाएंगे। हम लोग उस जगह पे भी आ गए जहाँ पर अब्दुल्ला सोता है, ढूंढेंगे ढूंढेंगे, अब्दुल्ला मिल जाएगा। अभी पहले थोड़ा बहुत खाना खा लें ताकि थोड़ा हमारा दिमाग काम करे, फिर अब्दुल्ला को हम ढूंढने के लिए निकलते हैं। और इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, हाथ जम गए हैं बिल्कुल, कुल्फी बनी हुई है इस वक्त हमारी। मुझसे तो डब्बा भी नहीं, डब्बा भी नहीं खुल रहा, खुल रहा कोई। और पकड़ असद, पकड़ डब्बा खोले। ओए ओए यार, अरे यार ये भी बिल्कुल ठंडे हुए हैं चावल, देखता हूँ यार खराब तो नहीं हुए। खराब भी हो तो खाने पड़ेंगे। सही है यार, अगर थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहे ना तो खराब हो जाएंगे, हम लोगों को इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। मामा ने इतने प्यार से अब्दुल्ला के लिए बिरयानी बना के भेजी थी, लेकिन अब्दुल्ला भाई साहब हमें मिला ही नहीं, ठंडे हुए हैं, बर्फ बने हुए यार भाई, अब यही खाना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी है भाई, यही खाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत खाना खा के हम लोगों ने अपना गुजारा कर लिया, काफी ज्यादा रात हो गई है और सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई। अब्दुल्ला का हम लोगों को अभी तक कोई अता पता नहीं चला, और अब्दुल्ला अभी तक यहाँ पे नहीं आया। मैं तो बोल रहा हूँ यार गाँव में चलते हैं, कोई होटल शोटल ढूंढते हैं, वहीं पे जाके रात को सोते हैं, फिर सुबह अब्दुल्ला को ढूंढेंगे। भाई आप लोगों ने होटल जाना है जाओ, और वहाँ पर मजे से सो जाओ, मैं आपके साथ नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा भाई इतनी रात में सर्दी में ख्वार होता है, और आप लोग बोल रहे हो कि होटल जाके सोएंगे, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है ना भाई। भाई क्या तो सही रहा है। हाँ यार ये बात भी सही है, फिर क्या करें यार, कहाँ सोएं, हम लोग भी यहीं सो जाएं, यहीं सो जाते हैं भाई। यार थोड़ी देर और इंतजार करते हैं अब्दुल्ला का, फिर देखते हैं भाई हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग भी यहीं सो जाएंगे, यहीं सोना पड़ेगा। चलो यार ये डब्बा शब्बा तो बंद करो यार। हम लोगों ने फैसला कर लिया कि आज रात को ना हम लोग यहीं पे सोएंगे, और फिर सुबह उठ के दोबारा से अब्दुल्ला को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। यार देखते हैं क्या सामान शमान है, चादर है जी, चादर है ना सही, ये चादर हम लोग नीचे भी जाएंगे और सामान ओढ़ेंगे। हाँ ये भी सही है, और देखो क्या क्या है यार, एक चादर पे हम लोग तीन बंदे आ जाएंगे। वो यार फिर ये शर्टें निकाल के ना हम लोग यहाँ पे तकिए बना लेंगे भाई, शर्टों के रखो इधर, ये हम लोगों ने दो दो शर्टों के तकिए बना लिए। शुक्र है भाई मामा ने हम लोगों को पैकिंग शैकिंग करके दे दी थी। शूज उतार देता हूँ मैं भी, काफी ज्यादा रात हो गई, क्या पता अब्दुल्ला रात को ही आके हम लोगों को उठा ले और खुश हो जाए। ये भी हो सकता है यार, चलो चलो लेटो यार लेटो। अली आप तो पैक हो फुल, आपको तो सर्दी लगेगी भी नहीं भाई। देखो हम लोगों को आज रात कैसे सोना पड़ेगा, आ जाएंगे एक चादर में, चादर तो काफी ज्यादा बड़ी है यार,
मुझे तो भाई अपना बेड याद आ रहा है, कहाँ हम लोग बेड पे सोते हैं मजे से, दो दो ब्लैंकेट में। और यार लेकिन हम अब्दुल्ला के भी सोचे ना, अब्दुल्ला के पास कुछ भी नहीं, अब्दुल्ला किस तरह सरवाइव करता होगा। बेड पे सोने का सोच रहे हो, कुछ खान पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ ये बात तो ठीक है गाइस, आप लोग बस दुआ करें। मोबाइल में चार्जिंग भी खत्म होने वाली है, सुबह फिर से मैंने व्लॉग बनाना होगा, तो सुबह चार्जिंग शार्जिंग भी कहीं से करेंगे अपना मोबाइल। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, देखो कितनी ख्वारी कर रहे हैं। और अब्दुल्ला को कमेंट करो और अब्दुल्ला के चैनल को सब्सक्राइब भी करो, कि अब्दुल्ला को बोलो भाई घर वापस चला जाए, अब्दुल्ला को सपोर्ट भी करो भाई। हम लोग तो जितना हम लोग कर सकते हैं ना उतना कर रहे हैं। और अली की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, इतनी खांसी हो रही है अली को, इतनी खांसी हो रही है। मेडिसिन फिर सुबह मेडिसिन मुझे याद दिलाना, सुबह आपको मेडिसिन भी मैं दिला दूंगा, ठीक है ना। तो गाइस बस मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, अब्दुल्ला का चैनल दिया हुआ उसको सब्सक्राइब करो, और उसको कमेंट में बोलो कि भाई प्लीज़ अनस भाई लोगों से मिल और घर वापस चला जा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।